मैं सुरजीत सिंह पप्पू चौधरी वार्ड नंबर 43 से कारपोरेटर हूँ और मैं काफ़ी दिन से ये देख रहा था कि यहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल में जो जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जनता परेशान है जम्मू की। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ तो मैं अपने डोगरे भाइयों का ही उनके बारे में ही बोलूँगा। मैं जम्मू के लोगों की ये परेशानी देख रहा था और अंत में आकर मैंने ये फैसला किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और जो हमारे जो यहाँ पे जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो गांधीनगर हॉस्पिटल है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, शालामार हॉस्पिटल है, यहाँ भी आप जाओ देखो इतनी बुरी हालत है। वहाँ पे किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो हमारा ये डॉक्टर का और जो हॉस्पिटल का ये फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई जिस घर से एक कोई पेशेंट जो पॉजिटिव आता है उसके पूरे घर का वो टेस्टिंग किया जाए। उसको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे एक स्लिप लगा दी जाती है बाहर जाकर एक उसके गेट के ऊपर कि भाई इसके घर में अंदर किसी ने नहीं आना है, इसके घर के अंदर किसी ने नहीं आना है। ये कहने से वो जो घर के अंदर जो लोग हैं उनका इलाज नहीं होगा। वो अगर पॉजिटिव नहीं है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएंगे अंदर पड़े पड़े। ना उनको कोई खाने की सुविधा है, ना उनको किसी चीज की कोई सुविधा मिलती है। ये किस तरीके का प्रशासन चल रहा है, ये किस तरीके की डॉक्टर जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरीके से चल रहा है। ये मैं आपके माध्यम से ये जितने भी मेरे यहाँ के हॉस्पिटल है मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे डॉक्टर भाई हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों की ड्यूटी बनती है। आप लोग चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक मजदूर हो, मजदूर का भी उतनी ही जिंदगी की कीमत है जितनी एक हमारे जैसे एक लीडर की कीमत है। अगर मेरे को कहा मैं पॉजिटिव आ जाता हूँ तो मेरा भी यहीं पे इलाज उन लोगों के बीच में होना चाहिए। अगर कोई एक गरीब आदमी का बीमार हो जाता तो उसका बेड मेरे साथ होना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए हाँ भाई मेरी जिंदगी की भी कीमत है, मैं भी अपने घर के लिए उतना ही मूल्यवान हूँ जितना एक बड़ा आदमी है। इसलिए मैं अपने जितने भी मेरे जो मेरी पार्टी के जितने लोग हैं, मेरे बड़े नेता हैं जो हमारे पार्टी के आदरणीय हमारे रविंद्र रैना जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत है, जम्मू के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। आए दिन 100 बंदे का टेस्ट करो, 10 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदे उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ टेस्टिंग, एक तो हमारे टेस्टिंग यहाँ पे इतनी लेट शुरू हुई है, अगर हुई है अब तो इतनी तेजी से जो ये बीमारी बढ़ रही है उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी बंदोबस्त नहीं दिख रहा है।